जितने भी साथी शुभचिंतक समर्थक आज इस ऐतिहासिक जंतर मंतर की भूमि पर पधारे हैं, वे सब जानते हैं कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए, सेवा के लिए, निर्माण के लिए जो 11 व्रत गांधी जी ने बताए थे, उनमें से उपवास एक सबसे ताकतवर अस्त्र या बापू के मुताबिक कहें तो ब्रह्मास्त्र है। मेरा आग्रह है संगठन के जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं अपना स्थान ग्रहण करें, और मेरा विनम्र निवेदन है प्रिंट के साथियों से, मुझे 100% इस बात का ध्यान है कि आपका यहाँ पे होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आपकी तस्वीरें जो आप यहाँ अपने कैमरे में कैद करके ले जाएंगे, उनके जरिए ही हमारी बात देश की दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी। पर मेरा ये भी आग्रह है कि इस उपवास में आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। मंच के बीच से दोनों तरफ अगर आपने कैमरे सेट कर लेंगे तो इस सड़क पर, काली गर्म सड़क पर जो हमारे साथ बैठे हैं, वो लगातार हमारे संपर्क और संवाद में रह पाएंगे। उनका हमारे आई कॉन्टैक्ट में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों से कि अपने कैमरे ऐसी जगह पे और ऐसे एंगल पे सेट कर लें सड़क के बीच पर बैठे लोगों को मंच दिखाई दे। बस इतना आग्रह, इतना निवेदन है आप लोगों से। मुझे पूरा विश्वास है आप इस निवेदन को, इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ बहुत सारे साथी खड़े हैं, उनसे भी आग्रह है बहुत देर तक खड़े रहना संभव ना होगा। यहां हमारा उपवास सत्य के आग्रह को लेकर होने वाला हमारा उपवास पूरा दिन चलना है। यह सत्याग्रह शाम तक चलेगा। आप खड़े रहेंगे, थक जाएंगे, चले जाएंगे, इससे बेहतर यह कि आप कहीं भी, जहां भी सुविधाजनक हो वहां बैठ जाएं। आप उपवास पर हैं लेकिन यह निर्जल उपवास नहीं है, इसलिए आप पानी जरूर पीते रहें। जिन साथियों की, जिन वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी पानी पहुंचाने की है, वो सभी उपवास में बैठे लोगों तक पानी पहुंचाते रहें। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप अगर ध्यान में, विपश्यना में विश्वास रखते हैं तो कहीं एक जगह बैठ कर ध्यान लगाएं, विपश्यना लगाएं, भजन सुने। इस मंच से जो जरूरी बातें कही जा रही हैं उन बातों पर अपना ध्यान लगाएं, लेकिन पूरा दिन यहाँ बने रहें। आपके हिम्मत से मंच पे बैठे लोगों को हिम्मत मिलेगी, आपके यहाँ डटे रहने से हम लोगों को ताकत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम न खुद के लिए आए हैं न मंच के लिए आए हैं, यहाँ हम हमारे आपके दिल्ली वालों के और देश के चहेते नेता, हम सबके बड़े भाई, हम सबके गाइड, हम सबके सुपरस्टार, हम सबके दिलों में राज करने वाले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए आए हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं स्थान ग्रहण कर लें और बैठ जाएं। मैं बीच बीच में आता रहूंगा, आप लोगों से बात करता रहूंगा। आप सब लोगों को मालूम होगा कि आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने टोटल तकरीबन 18 उपवास किए। इनमें से कुछ उपवास कुछ घंटों के थे, तो 3 या 4 उपवास 21 दिन तक चले। जी हां, 21 दिन तक चलने वाला उपवास बापू का सबसे लंबा उपवास था, और जो एक बार नहीं हुआ, 3-3 बार 21 दिन तक उपवास किया। और बापू का उपवास करने का मकसद भी बड़ा क्लियर था। वो कहते थे कि सत्य का जो उद्देश्य है, जो सच्चाई का मकसद है,
उस मकसद को कायम रखने के लिए मैं उपवास करता हूं। सच्चाई का मकसद क्या है? सच्चाई का मकसद है कल्याण, सच्चाई का मकसद है सबका हित। और यही वजह है कि अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे कि कभी बापू ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास किया 21 दिनों का, तो कभी बापू ने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ देश के लोगों को एकजुट करने के लिए उपवास किया, और उनके तीन सबसे लंबे उपवासों में से 21 दिन के उपवासों में से एक उपवास का मकसद, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, उन तीनों उपवासों में से एक उपवास का मकसद ठीक वही था जो हमारा आपका सबका मकसद है। जी हां, 1943 में जब बापू ने 21 दिनों का उपवास किया तो वो उपवास उनकी 6 महीने की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ था, और ये खिलाफत बापू की और उनके लोगों की बरतानिया हुकूमत के साथ असहमति के प्रतीक के तौर पर। अगर मैं तारीख गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो वो उपवास 10 फरवरी 1943 से लेकर 3 मार्च 1943 तक चला था, 21 दिनों तक चला था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो गिरफ्तारी करी वो अवैध गिरफ्तारी है, बेबुनियाद गिरफ्तारी है, सबूतों के अभाव में अपने इनकार को संतुष्ट करने वाली गिरफ्तारी थी। वो इस फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ 21 दिनों का उपवास बापू ने किया था, जिसका संदेश लाउड एंड क्लियर देश के कोने कोने तक पहुंचा था। उस समय सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, रेडियो था और माउथ टू माउथ, एक कान से दूसरे कान तक बात चलती थी, और तब भी चूंकि उपवास का मकसद पवित्र था, उपवास का उद्देश्य शुद्ध था, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के देश के कोने कोने में यह बात फैल गई कि बरतानिया हुकूमत ने, उस समय की केंद्र सरकार ने एक देशभक्त को फर्जी आरोप लगाकर बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार किया। आज हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल उसी स्वर में, उसी भाव में, उसी हिम्मत और हौसले के साथ, तब बरतानिया हुकूमत थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बदला? अहंकार तब भी जिम्मेदार था, अहंकार आज भी जिम्मेदार है। हम भी आज विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की बेबुनियाद गिरफ्तारी का, और तब भी देश ने विरोध किया था बापू की 6 महीने की अवैध गिरफ्तारी का।